अभी हमारा ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, वो किसी ने ज्वाइन करना हो तो वो हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करे, अपना नाम कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखवा दे, तो इसी मंथ में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करवा देंगे। नए सेशन हमारे वैसे भी चलते रहते हैं, तो नोट्स किसी को चाहिए हो वो भी अवेलेबल है। सेशन का फ़ायदा ये हो जाता है कि उसमें टेस्ट सेशन भी होता है, नोट्स भी उसमें साथ साथ दे दिए जाते हैं, तमाम सब्जेक्ट की तैयारी हो जाती है। डिफरेंट हमारे पास टीचर्स की टीम है, वो हर सब्जेक्ट की स्पेशलिटी जिसके पास है उस हिसाब से फिर हम काम करवा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। एम इकोनॉमिक्स पार्ट वन के भी रिसेंटली जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पेपर दिए हैं, पार्ट टू में उन्होंने एडमिशन भिजवाना और पार्ट टू के उन्होंने सब्जेक्ट रखने हैं। इस वीडियो में पार्टिकुलरली मैं बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट की, किस ऑथर की, किस राइटर की बुक लेनी चाहिए जो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट की मैं बात करूं, दो ऑप्शनल होते हैं, चार कंपलसरी हैं। चार जो कंपलसरी हैं उनकी डिटेल, सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड है, फिर आपका इकोनोमेट्रिक्स है, फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, और चौथा रिसर्च मेथोडोलॉजी है। इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, बैनुल कुवामी तजारत, तो ये दो बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा जो मेरी टॉप प्रायोरिटी पे है। सबसे पहले तो डोमिनिक सल्वाटोर की, सबसे पहले तो आप कोशिश करें सल्वाटोर की बुक आपके पास होनी चाहिए, वो हो तो उससे जरा तैयारी आपकी आसान होगी, क्योंकि इसका सीक्वेंस सिस्टमेटिक वे में बनी हुई है, तरतीब के साथ है, ये इसका एक सिस्टम बहुत पसंद है मुझे। दूसरे नंबर पे अगर ये आपको अवेलेबल ना हो सके तो इसका जो अल्टरनेट है वो हमेशा इसकी बुक हो जाए, वो भी गुजारा देगी, चल जाएगी, वो भी अच्छी बुक है। तो बस ये दो बुक्स हैं, इन दोनों में से कोई सी भी आप ले लें। पहले नंबर पे सल्वाटोर, अगर वो नहीं है तो फिर हमेशा ही। दूसरा जो सब्जेक्ट है जी इकोनोमेट्रिक्स का, इकोनोमेट्रिक्स की सबसे पहले कोशिश करें अमजद अली भट्टी की, अगर आपको बुक मिल जाए, बड़ी बेहतरीन बुक है, नोट्स बने हुए हैं विद क्वेश्चन, उन्होंने इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सोल्व भी किए हुए हैं, तो सारा काम उसमें आपको समझ लेंगे, वो बने बनाए नोट्स हैं, वो मिल गई तो बड़ी बेहतरीन बुक है वो आपके लिए। इकोनोमेट्रिक्स की अमजद अली भट्टी की अगर नहीं मिलती तो दूसरे नंबर पर कोशिश करें शहजाद चौधरी की, आपको मिल जाए बुक। शहजाद चौधरी की दूसरे नंबर पे होनी चाहिए आपके पास, अगर वो भी नहीं तो तीसरे नंबर पे फिर उसकी गुजराती की है। गुजराती की बुक थोड़ी सी लेंथी है, इसमें पेजेस ज्यादा है, बाद लोग वो होले दिल के मालिक होते हैं, जरा इसकी थिकनेस वो देख के घबरा जाते हैं, इस वजह से अमजद अली भट्टी या शहजाद चौधरी, ये दो बुक्स मैं प्रेफर करता हूँ। तीसरा सब्जेक्ट है जी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की अमीशा इत की बुक ले लें, वो ठीक है, चल जाएगी, उसमें से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, अच्छा लिखा हुआ है उसमें। अगर हमेशा ईद के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन की बात करें तो वो कट्सियोनस की बुक है। चौथे नंबर पे रिसर्च मेथोडोलॉजी है जी सब्जेक्ट आपका। रिसर्च मेथोडोलॉजी 50 नंबर का क्वेश्चन है, और ये आपके पास सबसे पहले तो कोशिश करें नवाज अहमद की बुक होनी चाहिए, प्रोफेसर नवाज अहमद की, बारीक सी किताब है, बने बनाए नोट्स हैं, ये भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो दूसरे नंबर पे फिर इसकी ऑप्शन होनी चाहिए शहजाद चौधरी की, वो भी बुक आपकी गुजारा देगी आपको, लेकिन सबसे पहले कोशिश करें नवाज अहमद की आपको मिल जाए, ठीक है जी। अब आते हैं ऑप्शनल की तरफ। ऑप्शनल में तो बेशुमार वैरायटी है, किन किन बुक्स का मैं बताऊंगा। वो बुक्स जो ज्यादातर सब्जेक्ट सिलेक्ट किए जाते हैं उनमें आमतौर पर बुक्स जो लगवाई जाती हैं, एक तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, दूसरा लेबर इकोनॉमिक्स है, ये दोनों बुक्स आप हमेशा इसकी ले रहे हैं, दी बेस्ट है, आपको और बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी ऑथर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप मॉनिटरी इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं तो मॉनिटरी इकोनॉमिक्स आप जिंगन की बुक ले लें, वो सबसे बेहतर है। अगर आपका सब्जेक्ट एडवांस मैथ है तो एडवांस मैथ या एड मैथ, उसमें आपके पास अल्फा सी चैंग की बुक होनी चाहिए, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके अलावा या हमेशा की बुक भी आपको गुजारा दे सकते हैं, ये दोनों बुक्स में से कोई सी आप एक ले लें, पहले नंबर पर अल्फा सी चैंग, दूसरे पे हमेशा। तो ये आमतौर पे वो सब्जेक्ट हैं जो ज्यादातर इदारों में रखवाए जाते हैं, स्टूडेंट आमतौर पे रखते हैं। इसके अलावा और अगर आपके कोई इसके अलावा सब्जेक्ट है तो वो फिर वो जरा हर सब्जेक्ट का बताने बैठूंगा तो वीडियो जरा लेंथी हो जाएगी। ये मैंने वो चीजें बता दी हैं जो कॉमन इश्यूज हैं, हर किसी को प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ सकती है, तो ये मैंने आपको तमाम ऑथर दी बेस्ट बुक के राइटर्स आपको मैंने बता दिए इजी वर्डिंग के साथ, ये बुक्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए, इनसे तैयारी करें, आपका एम ए पार्ट टू का एग्जाम निकल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
पाकिस्तान जिंदाबाद।